let me tell you that the certain criteria of the paper it has been changed. So 40 MCQs are to be there in the exam, but they are of a different format. Whatever we have done till now, that were the MCQ which were known as standalone MCQs. Standalone MCQs means which are having the four options, and every option is having the individual identity. आपने हर एक ऑप्शन को इंडिविजुअली डील करना होता है एंड यू हैव टू टेल दैट व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट राइट एंड सम क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन केस स्टडीज राइट ईच चैप्टर्स केस स्टडी आई विल पुट इन द बुक यू विल डू प्रैक्टिस ऑफ दैट बाय योर ओन केस स्टडी हमने यहां पे नहीं करवाने वाली आपने खुद प्रैक्टिस करनी है केस स्टडी व्हाट इज द केस स्टडी व्हाटएवर क्वेश्चन वी डू उसको किसी भी पैराग्राफ में या किसी भी कंडीशन सिचुएशन में काम करके उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हाँ जी जी एंड जानवी उन्होंने कहना माइक क्या बात बहुत कम आ रही है अभी नहीं लगाया हुआ अभी लगा रही हूँ अब आएगी बस जस्ट मिनट वेट चलो राइट सो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर केस स्टडी क्वेश्चन इन व्हिच वन फॉर्मेट वन पैराग्राफ ऑफ द सर्टेन थिंग्स विल बी गिवन एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली एंड द थर्ड टाइप ऑफ एमसीक्यू दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस इन द न्यू पैटर्न ऑफ एग्जाम That is assertion and reasoning. Assertion and reasoning. This is the third type of MCQ that has been introduced in the new pattern of the question paper. What is the meaning of assertion and reasoning? I will tell you the meaning and accordingly two, three MCQs I will take of the same format. Otherwise, tomorrow I will frame some more and we will practice. अभी आज ही मैंने देखा है तो कोई अभी सैम्पल पेपर भी नहीं मार्केट में अवेलेबल तो हम नेट में से जितना भी हम इधर उधर बुक्स में से ढूंढ पाएंगे हम करेंगे वेरी सून द सैम्पल पेपर विल बी अवेलेबल एंड अकॉर्डिंगली विल डू द प्रैक्टिस बट यू शुड नो द मीनिंग दैट वट इज assertion एंड रीजनिंग मीन For example, suppose there is a trial in one court. Court में जब trial होता है, तो क्या होता है? Every prosecutor gives his or her, you can say, opinion, right? कोई भी जो वकील होता है, वहाँ पे advocate अपना एक point रखता है. उसको हम assertion कहते हैं. Assertion means forcefully putting one's point. वो कहते हैं कि ये चीज है मेरी तरफ से. इस बंदे ने ये ऐसा नहीं किया या कुछ फोर्सफुली कोई भी पॉइंट वो कोर्ट के आगे रखता है अब assertion जो एक बंदे ने कोर्ट के आगे रखी इज इट नेसेसरी इट इज ऑलवेज राइट गलत भी हो सकती है राइट एंड सही भी हो सकती है दोनों तरह की चीजें हो सकती हैं इन assertion वी आर हैविंग बोथ काइंड ऑफ थिंग व्हेन ए पर्सन इज प्रेजेंटिंग हिज क्लाइम कोर्ट इट माइट बी ट्रू इट माइट बी फॉल्स ठीक है assertion दोनों में से कोई भी तरह की हो सकती है एक चाहे कोई बात सही हो तब भी जो एडवोकेट है उसको फोर्सफुली कहेगा कि ऐसा है जी ठीक है इफ इट इज रॉन्ग इवन देन इट विल बी टोल्ड फोर्सफुली इफ यू सी द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड assertion दिस इज सम स्टेटमेंट विच पर्सन used to present forcefully ठीक है assertion can be right it can be wrong also ये correct भी हो सकती है और incorrect भी हो सकती है चाहे assertion correct हो चाहे incorrect हो चाहे जो player किसी advocate ने court में रखा चाहे वो correct हो वो उसके लिए भी reasoning देगा court कहेगा कि इसको reason दो इसका क्यों इस proof दो मुझे कोई reason दो proof दो ठीक है the reason will be explained whether it is correct चाहे incorrect है अपनी गलत बात को भी सही साबित करने की कोशिश की जाती है ना कोर्ट में तो उसके लिए भी वो रीजन और प्रूफ जो है दिया जाता है चाहे assertion correct हो चाहे wrong हो for every assertion there is a reason right अब ये भी हो सकता है कि reason correct हो या not correct हो ठीक है तो आपके पास क्या होगा दो statements होंगी one is in the form A which will be assertion, another is in the form B, which is, thank you so much. Second is in the form of reason.
सेकेंड जो होगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रीजन. ये जो सेकेंड सेंटेंस होगा ये इसका रीजन, यानी कि कोई चीज उसने एक्सप्लेन की फर्स्ट ए में और सेकेंड बी में उसने उस चीज का रीजन बताया. अब इससे रिलेटेड आपके पास चार चीजें, चार ऑप्शन अवेलेबल होंगे. कैसे चार ऑप्शन? ए ऑप्शन होगा कि assertion and reason both are correct, ठीक है. सेकेंड ऑप्शन होगा both A and R are correct and R is true explanation of A. ठीक है, both A and R are correct and R is true explanation of A. Do you have any problem? Third is A and R both are correct. Now if I see you laughing, now you will be out of the class. Nay, I am giving you the last warning. Don't argue. Please don't argue. जब तक आप क्लास में हो ना गुरुपाल, ये क्लास कभी सुधर नहीं सकती. यू आर द मेन, यू कैन से इंस्टिगेटर ऑफ द क्लास. ए एंड आर एंड दैट इज इन द रिकॉर्डिंग नाउ, ठीक है ना. एवरीवन विल लिसन. ए एंड आर दे आर करेक्ट एंड आर इज द ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सभी समझाती हूँ, पहले मेरे को लिखने दो सारा. थर्ड ऑप्शन आपके पास हो सकता है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, इसके साथ ऐड करो एंड आर इज नॉट ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. या फिर हो सकता है ए करेक्ट आर फॉल्स. या फिर फोर्थ ऑप्शन होगा ए इनकरेक्ट ए फॉल्स आर करेक्ट. अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करना है? दो स्टेटमेंट्स हैं आपके पास, ठीक है. वन इज असर्शन एंड अदर इज रीजनिंग. इनके बीच का रिलेशन प्रूव करना है. सबसे पहले आपने चेक किया करना है कि क्या दोनों राइट हैं. अगर तो एक राइट है एक फॉल्स है तो आपको इन दोनों ऑप्शंस को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है. अगर एक राइट हो गया, एक करेक्ट हो गया, दूसरा फॉल्स है, तो वो तो सपोर्ट ही नहीं करेगा ए को, है ना. अगर एक फॉल्स हो गया दूसरा राइट हो गया, वो तो एक दूसरे को सपोर्ट ही नहीं करेंगे. अगर दोनों करेक्ट हैं, अगर दोनों करेक्ट हैं असर्शन भी और रीजन भी, तब कौन किसको सपोर्ट करेगा? रीजन असर्शन को सपोर्ट करेगा. अब वो रीजन का जो सपोर्ट है वो ट्रू भी हो सकता है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है, और वो फॉल्स भी हो सकती है, ठीक है. तो कैसे इसको डील करना है? सबसे पहले आपने ये देखा करना है कि दोनों स्टेटमेंट्स अपने आप में ट्रू है या नहीं. अगर तो कोई एक भी फॉल्स हो जाती है तो हम रीजन की तरफ देखेंगे भी नहीं, ठीक है. तब हम इन दोनों में से किसी एक को टिक कर देंगे. बट अगर दोनों ही करेक्ट हैं, assertion भी करेक्ट है, रीजन भी जो उसने दिया वो सही है, तो क्या वो रीजन assertion को सपोर्ट कर रहा है? क्या उसकी सही एक्सप्लेनेशन है? फिर हम देखा करेंगे एक्सप्लेनेशन ए के साथ कैसे रिलेट करती है, वेदर इट इज राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और इट इज रॉन्ग एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक वेदर बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट और रॉन्ग. इफ दे आर one is correct, another is false, then reason should not be associated with that. And if both are correct, then you have to see whether reason is going to support A or not. And if it is supporting in which way? Whether it is supporting in right way or wrong way. Assertion is correct, but R is not a true explanation of reason. Assertion ka sahi explanation nahi hai. Example dungi, fir pata chalega. एंड अगर दूसरी हम बात करें, ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज द ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ क्या ए. मैं एक एग्जांपल लेती हूँ फिर आपको समझ आएगा. मान लो मैंने असर्शन की स्टेटमेंट ली रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर. And I'm taking the reasoning statement as a number of the form, a number of the form root m, where
is not a perfect square is an irrational number. देखो assertion की statement कहती है कि root 5 irrational है. Reasoning उसका reason देने आई है. Reason क्या देती है कि every number which is of the form root m will always be an irrational number. हर number जो root m की form का है वो irrational होगा. तो क्या हमारी assertion को, पहले तो देखो दोनों correct है. अगर दोनों correct है तो इन दोनों में से तो कोई option हो ही नहीं सकता. एक false एक true cut हो गया. अब देखो कि क्या reason ने assertion को 100% support किया, truly support किया. Yes. तो फिर क्या हुआ, A and R are correct and R, second B वाला, A and R are correct and R is the true explanation of A, right? So these kind of questions will be there in exam. So you know 40 marks paper will be there. So the whole paper will be divided into three parts. One case study में आपको पता है 4 या 5 number की एक case study आती है paper में. तो बाकी बाकी कितना paper बचा, 35 marks का paper. It will be divided into two parts. One is the stand alone MCQs, which we have practiced a lot for the chapter one. And second one is the assertion and reasoning, right? चलिए हम थोड़े और question ऐसे करते हैं. Actually, I have not framed it yet. मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा इसको. हाँ? कौन से question? चलो मैं करवाती हूँ इसको, जस्ट मिनट वेट. मेरे को ये है कि अब इसको मैं करवाऊँ. चलो नेक्स्ट देखो. Assertion is 5 is a rational number and the associated reason is square root of square roots of all positive integers लिख लो कुछ कॉपी में. Square root of all positive integers is irrational. Square root of all positive integers is irrational. अब सबसे पहले तो हमने दोनों को इंडिविजुअली स्टडी करना है. पहला तो 5 इज अ रैशनल नंबर, इट इज वेरी मच ट्रू, राइट? बट द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल. फॉल्स, बिकॉज़ वी आर हैविंग सर्टेन पॉजिटिव इंटीजर्स हुज स्क्वायर रूट इज अ रैशनल नंबर. हमारे पास कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे हैं जिनका स्क्वायर रूट रैशनल होता है. इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो गई. जब अजर्शन राइट और रीजन फॉल्स हो गया तो नेचुरली रीजन इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट अजर्शन इन एनी वे. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी ऑप्शन इज करेक्ट. बड़ा ये आपको जैसे से आप प्रैक्टिस करोगे इट विल बी ए आंसर. आर इज नॉट राइट एक्सप्लेनेशन बिकॉज अच्छा ये चीज भी बच्चों को कंफ्यूजन में रहते हैं बच्चे कि ए आंसर क्यों नहीं. ए एंड आर दे आर करेक्ट. उसकी पहली कंडीशन है कि बोथ शुड बी करेक्ट. ठीक है, जैसे कि कोर्ट में जब प्लेयर दिया जाता है किसी चीज का वो रीजन दे देता है बड़े अच्छे से एडवोकेट कि ये मेरी बात है और इसका रीजन ये है और उसका रीजन आगे से जज कहता है कि रीजन बिल्कुल ठीक है पर आपके केस में ये रीजन वर्क नहीं कर रहा, उसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं वर्क कर रहा, ये फॉल्स है. जब दोनों ट्रू होंगे तभी एक दूसरे तभी रीजन ये है ना कि उसकी बात ठीक है, जो उसने एडवोकेट ने बोला उसकी बात भी ठीक है, जो रीजन दिया वो भी ठीक है, पर क्या उस जो रीजन उसने दिया वो उसकी बात को सपोर्ट कर रहा है, ये डिपेंड करेगा तभी जब दोनों चीजें करेक्ट होंगी. पहली बात तो जैसे ऑब्जेक्शन ही सामने वाला वकील कहता है ना, ऑब्जेक्शन कब कहता है? जब उसको लगता है कि जो रीजन दिया जा रहा है वो फॉल्स है. और जब जज को लगता है कि रीजन ठीक है वो सुनना चाहता है तो वो क्या कहता है? ऑब्जेक्शन ओवरहोल्ड, राइट? तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या दोनों चीजें इंडिविजुअली सही है. अगर तो इंडिविजुअली सही है तो नेचुरली इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा. क्या होगा वो बाद में देखेंगे, बट अगर दोनों में से एक भी चीज इनकरेक्ट है इंडिविजुअली देन वी विल नॉट गो विद दीज ऑप्शंस.
वी विल गो विद सी और डी. अब ये दोनों स्टेटमेंट्स को अगर मैं देखूं तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेरी मच ट्रू बट द सेकंड वन इज फॉल्स. रीजन फॉल्स हो गया तो सी ऑप्शन. अगर फॉल्स है तो उसकी एक्सप्लेनेशन करेक्ट या रॉन्ग की तो बात ही नहीं पता. ठीक है, कई बार रीजन अपने आप में सही होता है पर वो ए की assertion की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता. चलिए कोई ऐसा भी मैं करवाती हूँ द क्वेश्चन. चलो ये करते हैं. सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स कुछ लोग ऐसे ही होंगे जो बिना ये देखे कि रीजन और अजर्शन इंडिविजुअली करेक्ट है कि नहीं बीच में खड़े हो गए. जैसे दूसरी पार्टी का वकील कहना शुरू हो जाता है ना ऑब्जेक्शन, पहले देखो तो सही. जज कहता है ओवर होल्ड, देखो तो सही कि वो जो रीजन है वो अपने आप में भी ठीक है कि नहीं. राइट right? कुछ लोग ऐसे होंगे जो बीच में ऑब्जेक्शन दे देंगे, उनको ये देखने की कोशिश ही नहीं करेंगे कि रीजन ठीक भी है इंडिविजुअली और नहीं. देर आर टू इरेशनल, यू आर वन ऑफ देम. सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स 2+√3 एंड 4+√3, sum of two irrational, sorry, this will be irrational. Sum of two irrational numbers, 2+√3 + 4+√3 is irrational. This is our assertion. And reason he is giving, sum of two irrational numbers is always an irrational number. Sum of two irrational is always irrational. अच्छा एक मिनट. Second option कैसे बोल दिया, पहले देखो तो सही. Individually they are correct. Sum of two irrational number this and this is irrational. But obvious 4+2, 6+√3, 2√3. अगर किसी एक्सप्रेशन में एक नंबर रूट वाला आ गया, एक रैशनल एक इरेशनल, तो वो इरेशनल ही बनेगा. ठीक है, पहली स्टेटमेंट तो ट्रू हुई. नेक्स्ट इज सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल. समटाइम्स इट इज रैशनल, समटाइम्स इट इज इरेशनल. मैंने क्या बताया था आपको, जब भी रैशनल और इरेशनल की जंग होगी हमेशा इरेशनल जीतेगा, और जब इरेशनल इरेशनल के साथ लड़ेगा तो रैशनल भी हो सकता है इरेशनल भी हो सकता है. ये देखो अंशिया, हमने एग्जांपल किया था -√2 + √2 0. राइट, सम ऑफ टू इरेशनल बिकम्स अ रैशनल. तो जब देखो कितनी बड़ी गलती, अगर हमें यही नहीं पता कि रीजन जो है वो अपने आप में फॉल्स है तो फिर तो हमारा कसूर है ना. हम तो ए और बी में से ढूंढना शुरू हो गए ऑप्शन. सबसे पहले ये देखोगे कि ये दोनों आप इंडिविजुअली ट्रू है, ये तो इंडिविजुअली ट्रू था बट ये इंडिविजुअली फॉल्स हो गया, तो उसकी एक्सप्लेनेशन की तो बात ही खत्म हो गई. एक्सप्लेनेशन ट्रू है कि नहीं ये तब होगा जब दोनों क्या होंगे, करेक्ट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. चलिए assertion I am taking 11⁻³ multiply 11⁴ is equal to 11⁷ and reason I am taking if a and b if a is a number greater than 0 such that a⁴ m divided by a⁴ n is equal to a⁴ m - n. अब देखो पहले तो चेक करो कि ये इंडिविजुअली ट्रू है, इंडिविजुअली ट्रू है. दिस इज ट्रू, दिस इज वेरी मच ट्रू, बट द रीजन विच वी आर गिविंग फॉर आवर अजम्पशन इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन. सो विच ऑप्शन इज वी आर गोइंग विद ए ऑप्शन, वी आर गोइंग विद ऑप्शन ए. हाँ, इस कॉन्टेक्स्ट में ये रीजन नहीं चल सकता, गलत है.
ठीक है। जैसे कोई एडवोकेट कहता है कि जिस बंदे ने मेरे क्लाइंट का मर्डर किया, वो बंदा उस दिन ग्रीन ड्रेस में था, क्योंकि ये बंदा ग्रीन ड्रेस में था इसलिए मर्डर ये है, तो जज कहेगा एनी पर्सन कैन कम थ्रू दिस वे हु इज वेयरिंग ग्रीन ड्रेस, तो आपका रीजन जो है वो आपके एजर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो इसी तरह से ये जो रीजन है इस एजर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे हमारा लॉ लगा है बेसिस सेम, मल्टीप्लाई का साइन पार्ट्स विल गेट एडेड, और यहाँ पे नहीं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए नेक्स्ट। इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम रीजन इज गोइंग टू सपोर्ट योर स्टेटमेंट, ठीक है ना। आप भी तो इतने रीजन देते हो, आप कहते हो मैंने काम नहीं किया, I haven't done my homework, and you are giving the reason, मैम बर्थडे पार्टी थी। तो फिर टीचर कहता है कि बर्थडे पार्टी का होमवर्क से कोई कंसर्न नहीं, आप करो बर्थडे पार्टियां एंजॉय, बट होमवर्क तो करना चाहिए ना, राइट। श्योर, नेक्स्ट। रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/4 एंड 1/2, जिस दिन आप मैथ्स के पीरियड में टाइम देखना बंद हो गए ना, उस दिन कुछ बन जाएगा आपका। जब हम यही सोची जा रहे हैं पीरियड कब खत्म होगा, फिर तो हमें कुछ नहीं समझ आएगा। टू बी वेरी फ्रैंक, अपने आप को इन्वॉल्व करो चीजों में, थिंग्स आर नॉट एज इजी एज इट सीम्स टू बी, उतनी आसान नहीं है। वो बच्चों को लग रहा है 40 एमसीक्यूज आने हैं, कर देंगे, पास हो जाएंगे। नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। बोर्ड हैज चेंज द क्राइटेरिया, एट द सेम टाइम बोर्ड हैज इंट्रोड्यूस सम न्यू पैटर्न दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। क्यों नहीं इन चीजों को समझते? एक एक चीज आपको नोट करनी चाहिए क्लास में, एक एक चीज आपको क्लास में कॉपी एंड पेन लेके नोट करनी चाहिए। स्टिल यू आर नॉट ओपनिंग योर नोटबुक। जब हम घर से उठ के स्कूल आ ही गए तो फिर हम फायदा क्यों नहीं उठा रहे? घर पे जो बैठे आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, बट जो आप लोग स्कूल में बैठे हो कम से कम कुछ करके तो जाओ यहाँ से। एक इतना हमें आलस है, इतने हम लेथार्जिक हो गए कि हमें अपना पेन हाथ में लिख के लिखना मंजूर नहीं है। एक वर्ड नहीं इस बच्चे ने कॉपी पे लिखा, और कहता है कि मैं सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड हूँ, आपकी बात सारी मानता हूँ। कुछ नहीं मानते हो आप। रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/4 एंड 1/2 इज 3/8। हाँ जी, एंड रैशनल नंबर, चीजें आसान होंगी अगर आप टीचर्स को क्लास में ध्यान से सुनोगे। ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर में टिल्टेड होके इधर उधर मर्ज होके आ जाने हैं, बट अगर आप टीचर्स को नहीं सुन रहे ध्यान से, तो फिर तो 40 में से 0 भी आ सकता है। प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। आगे तो होता था क्वेश्चन ट्राई किया हुआ है, फॉर्मूला लिखा, चलो आधा नंबर दे दो। अब ऐसा कुछ नहीं, गलत का मतलब गलत, 0। सो इट विल बी, मतलब यू कैन से उल्टा भी पड़ सकता है ये आप पे। आपको लग रहा है ना इजी है, ये रिवर्स भी हो सकता है, रिवर्ट भी कर सकता है ये, ठीक है ना। आई थिंक 50% ही है, क्योंकि आपको अगर आप सीबीएसई का सर्कुलर पढ़ो ना, तो सीबीएसई ने साफ लिखा हुआ है कि अगर सेकंड टर्म में सिचुएशन वर्स हो जाती है तो फर्स्ट टर्म के नंबरों के बेस पे बच्चों को पास किया जाएगा। तो फॉर यू दिस टर्म इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ही नंबर लग के आगे पास हो जाओगे। पर अगर आप इसमें फेल हो गए और सिचुएशन भी बाद में वर्स हो गई, तो समझो हम फेल है, ठीक है ना। रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन X एंड Y, चीजों को इतनी नॉन सीरियसली मत लो, इंजॉय करो लाइफ को, सब करो, बट अपनी पढ़ाई को सेकेंडरी बना के नहीं। रैशनल नंबर बिटवीन X एंड Y इज 1/2 XY। गुरपाल इसको कुछ नहीं पता मैंने बोर्ड पे क्या लिखा, और यहाँ पे ऐसे भी बच्चे हैं जो जैसे मैं लिख रही हूँ साथ साथ उनके दिमाग में प्रिंट हो रही है चीजें, क्योंकि दे आर इन्वॉल्विंग देमसेल्व्स इन द स्टडीज। क्या लिखा मैंने कुछ पता, समझ आ रहा है क्या है? क्या है? अच्छा,
Which option is supporting this? So, C option, bilkul theek. A is correct. You can find a rational number between these two and you can get the answer 3/8. अब वहां पे find करने नहीं बैठ जाना, एक चीज सुन लो, वहां पे सिर्फ ये देखो, 1 को 4 से divide करोगे, it will be something like 0.2 something. 1 को 2 से करोगे 0.5 and 3 को 8 से करोगे, this will be 0.3 something. So naturally 0.3, 0.2 and 0.5 के बीच में लाए करता है. तो सिर्फ ये देखने के लिए कि ये नंबर वाकई दोनों में लाई करता है, निकालना नहीं है उसको. जस्ट हल्का सा इसकी डेसिमल एक्सपेंशन पे जाओ और देखो कि ये दोनों में बीच में लाई कर रहा है कि नहीं. इज इट ओके? एंड द सेकंड वन इज डेफिनेटली इनकरेक्ट, बट बिकॉज़ वी नो दैट रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर एक्स एंड वाई इज गिवन बाय द फॉर्मूला एक्स प्लस वाई ओवर टू. इस फॉर्मूला को हम कितना निग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि हम कभी यूज ही नहीं करते जबकि क्वेश्चन में बन के आया हुआ. चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट वन. Zero point three two nine is a terminating decimal extension. A decimal extension. A decimal expansion is called non-terminating, non-repeating if remainder is not zero. 0.329 is terminating decimal expansion. Individually, this statement is true, right? And a decimal expansion is called non-terminating, non-repeating if remainder is not zero. Individually, it is true. But it means dono correct ho gaye, dono correct ho gaye. But is the second one the correct explanation for the first one? No. Because this is, he's talking about terminating, where non-terminating, repeating. So we will go with A option, that assertion and reason both are correct, but the reason is not the correct explanation of assertion. Actually, next. चलो आगे देखो. जैसे पीरियड खत्म होगा ना, यू फॉर्म. हाँ, 3 - 2√5 इज द rationalizing factor of 3 + 2√5. 3 - 2√5 is a rationalizing factor of 3 + 2√5. And the next reason. The product of two, if word very important, if the product of two irrational numbers is an irrational number, if the product of two irrational numbers is an irrational number, then each one will call
rationalizing factor of other. अब मैंने if word यहाँ पे लगाया, बहुत important है, बताती हूँ क्यों. सबसे पहला जो हम assertion को अगर देखें, it itself is a true or false, it is very much true. If we are having 3 minus 2 root 5, then its rationalizing factor is 3 plus 2 root 5. जब भी हमें rationalize करना होता है, हम बीच का root वाले term का sign change करते हैं. अगर minus है तो plus rationalization factor. अब दूसरे में देखो. हाँ जी. वैसे भी जब हम करें, numerator में हो चाहे denominator में हो, इसका rationalization factor यही होगा ना. जब हम rationalization factor की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये denominator में ही है. ठीक है? Each other. जिया कह रही है कि ये तो numerator में है, तो इसका rationalization factor कैसे होगा? जब अगर पेपर में आता है व्हाट इज द रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ 7 माइनस रूट 5, तो इसका मतलब ये है कि ही इज टॉकिंग अबाउट 7 माइनस रूट 5 व्हेन इट वाज इन डिनोमिनेटर. रैशनलाइजेशन फैक्टर की बात ही तब होएगी जब जो एक्सप्रेशन है वो किस में होगा, डिनोमिनेटर. दिस इज ऑब्वियस, व्हाट ऑब्वियस. अब मैंने लिखा इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज इरेशनल नंबर. अगर मैं इफ ना लगाती तो आप लोग बोल पड़ते कि मैम इरेशनल नंबर की प्रोडक्ट तो रैशनल भी हो सकती है. मैंने इफ वर्ड इसलिए लगाया कि अगर दो इरेशनल नंबर्स की प्रोडक्ट एक रैशनल नंबर आती है, टू इरेशनल नंबर इज एन, यहां पे एक मिनट, यहां पे रैशनल इज अ रैशनल नंबर इज अ, एक मिनट इसको इसकी एक्सप्लेनेशन सुनो, थोड़ा डिफिकल्ट है. प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज रैशनल, देन ईच वन विल बी द rationalization factor of each other. देखो ध्यान से, इन दोनों की, ये दोनों irrational है, ये भी irrational, ये भी irrational. दोनों की product करो, 9 minus 4 into 5, this will become 20. Answer is minus 11. Product of these two irrational numbers comes out to be rational number. This is the, you can say, rationalization factor of this, and this is the rationalization factor of this. If the product of two irrational number is rational, then both of them will be rationalization factor of each other. Both are individually correct. Is the reason giving the best correct explanation of assertion? Equal to, right? So, is a rational number, then each one is, will call, each one will be rationalization factor of each other. दोनों एक दूसरे के रैशनलाइजेशन फैक्टर होंगे, ये इसका और वो उसका. सिर्फ उसी केस में जब दोनों का प्रोडक्ट एक रैशनल. चलिए, हाँ जी, जिया जानवी, यू वांट टू आस्क समथिंग, पूछ लो फटाफट से, पीरियड इज ओवर अदरवाइज. मैम ने कहा सभी क्वेश्चन करवा दो जिसमें assertion फॉल्स और रीजन ट्रू है. यस बेटे, क्या दोबारा रिपीट करो. मैम एक बार ऐसा क्वेश्चन करवा दो जिसमें assertion फॉल्स और रीजन ट्रू है. करवाऊंगी बेटे, कल करेंगे अब, ठीक है, पीरियड इज ओवर. जिसमें assertion फॉल्स और रीजन ट्रू हो, करेंगे, कल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक, ओके.